बड़ी खबर बता दें दोस्तों, गोपालगंज के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रविवार को रात को किया गया, जिसमें तीन लड़की को पहुंचाने की जिम्मा लिया गया और उसको गलत रास्ते से लेकर के गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और वो नाबालिग लड़की इधर उधर भागती रही, मालिक के पास गई, उसके बाद थाना गई, कितना चक्कर लगाई लेकिन उसको कोई सुना नहीं गया और कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। बहुत कहने सुनने के बाद गोपालगंज पुलिस महिला अध्यक्ष एक्शन में आया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ गिरफ्तारी किया गया है। बड़ी खबर बता दें दोस्तों कि गोपालगंज की ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला के साथ, काम करने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली नाबालिग लड़की को गलत रास्ते से ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और बंदूक के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों गोपालगंज की, जो कि ऑर्केस्ट्रा ऑनर को जल्दी छुट्टी कर दिया गया था, उसके बाद लड़की को पहुंचाने का जिम्मा ऑर्केस्ट्रा चलाने वाला आदमी लिया था, जो कि रात को बाइक से तीनों लड़की को पहुंचाने का जिम्मा लिया, जिसमें एक लड़की को घर पे ड्रॉप कर दिया था और दो लड़की को जिसके साथ दुष्कर्म किया है वो है एक लड़की। घटना कैसे, क्या हुआ, कब हुआ? हम ज्योति ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में गए हुए थे प्रोग्राम के लिए कल। अच्छा, उसके बाद? और उधर से जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो हमारा मालिक घर जा चुका था पहले ही, हमारी लेडीज को छोड़ने के लिए एक वहाँ से आदमी जो हम लोग को छोड़ने के लिए, जो प्रोग्राम करवाया था तो हम लोग को छोड़ने के लिए आया, तो तीनों को एक ही बाइक में बैठाया और जेंट्स को बोला कि बगल में ही है तुम लोग पैदल चले आओ, तो वो लोग पैदल आ रहा था तो हम लोग चले गए उसके साथ, तो एक का पहले घर पड़ता है तो उसको रूम पे उतार दिया। उतारने के बाद हम दोनों को बोला कि तुम लोग को शॉर्टकट रास्ता से लेके जाते हैं, मेन रास्ता से लेके जाएंगे तो प्लीज़ देखेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग बोले कि पुलिस से क्यों दिक्कत होगा, डांस करते हैं हर किसी को तो पता है, तो फिर भी हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हर कोई जाता है छोड़ने के लिए, तो हम लोग भरोसा करके उसके साथ चले गए। लेकिन वो कादे वाला रास्ता में ले जाके वो बीच में लेके गया, जबकि पूरा हाँ पूरा पिछल रास्ता था कि जिस वजह से हम लोग भाग भी ना सके, तो जब बीच में ले जाके बोलता है कि हमको चाहिए, हम बोले पागल हो गए भैया आप, आपको हम लोग भैया बोल रहे हैं, आप पागल हो गए हैं, तो बोलता है उतना हम नहीं जानते, हमको चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे, तो हम बोले ऐसा कुछ नहीं होता, कैसे आप ज़बरदस्ती कर लीजिएगा, तो बाइक को घुमा, हम बोले घुमाइए जल्दी ले चले हम लोग को घर, तो बाइक को ऐसे घुमाया हम लोग उतरे, घुमाने के लिए जब बाइक घुमा रहा था तो हम लोग उतरे, उतर के दोनों हम लोग सोचे कि भाग जाएंगे अब, तो हम लोग ऐसे भागने लगे ना तो बाइक को छोड़ के हम लोग के पीछे में दौड़ गया बंदूक लेके, हाँ बोलता है अगर नहीं करने देंगे तो ज़बरदस्ती कर, तो ज़बरदस्ती किया इसके साथ, हाँ तो इसके साथ में ज़बरदस्ती किया और मेरे सामने में किया, मेरा तबीयत ख़राब था, मेरा ऑपरेशन हुआ है, हाँ तो उसका पैर और पैर पकड़े, भैया हम लोग का तबीयत ख़राब, भैया हम लोग को छोड़ दीजिए, हाँ तो बोलता है तुमको छोड़ देंगे लेकिन इसके साथ करेंगे, बोले भैया ऐसा कुछ मत कीजिए, लेकिन हम लोग बोले कि अगर आपको चाहिए ना तो हम लोग उनको ऐसे मतलब मनाने के लिए हम बोले ठीक है चलिए रूम पर हम लोग करेंगे आपके साथ, रूम पर चलिए हम लोग करेंगे, लेकिन वो बोलता नहीं हम यहीं पर करेंगे, तो हम बोले यहाँ पर कादो कीचड़ है आप रूम पर चलिए, आपको जब करना ही है तो कोई बात नहीं आप चलिए रूम पर, हम लोग इतना तक बोले लेकिन वो नहीं माना, मेरे सामने में इस लड़की को पकड़ के रेप किया, ये रो रही थी मेरे सामने में चिल्लाए चिल्लाए के, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि उसके पास बंदूक था सर, हम क्या करते अकेले, फिर क्या हुआ? उसके बाद इसका रेप करके उसके बाद हम लोग को बोलता है कि किसी को बताएगी नहीं ना, हम लोग बोले नहीं बताएंगे, तो बोलता है अगर बताएगी तो हम लोग तुम दोनों को यहीं पे मार देंगे, तो हम लोग बोले कि नहीं बताएंगे, हम लोग कसम उसम खाने लगे कि नहीं बताएंगे, उसके बाद वो अपना बाइक निकाल के चले गए और उतना पानी में हम दोनों पैदल, फिर हम लोग मालिक के रूम के पास गए, रात भर पैदल चले और मालिक के रूम के पास गए, बगल में ही था जो लड़की को छोड़ा गया तो मालिक का ही रूम था, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग बोले कि हम लोग ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोलता चलो उसका घर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग घर क्यों जाएंगे, कानून क्यों बनाए हैं। बड़ी शर्मसार की बात है, जो कि ऑर्केस्ट्रा लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ मारने की धमकी भी दे डाली ताकि किसी से कुछ कहोगी तो जान से मार देंगे, क्योंकि बिहार में अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और हर जगह अपराध हो रहा है, अपराध होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं किया जाता है और उसे भटकना पड़ता है, इसमें कौन सा गलती करता है और किसका गलती है, सरकार का या पुलिस का? बिजली यादव नाम का एक युवा है जो उसके साथ दुष्कर्म किया था, बंदूक के साथ, बंदूक के बल पे इसको गिरफ्तारी कर लिया गया है, SP का आदेश के अनुसार महिला पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ा, उसके बाद बिजली यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी घटना है ये, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, कोई भी घटना होता है तो मुझे